सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है 3D क्रिएटिव्स। जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स आपको मिलता रहे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने part 1 एंड part 2 एक्सटीरियर मॉडलिंग नहीं देखा वो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आपको part 3 एक्सटीरियर मॉडलिंग ठीक से समझ में आ सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जो आगे का पार्ट है हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम जो है लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बाई यूजिंग 2.5 स्नैप। ओके, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली स्नैप यूज़ कर आप क्या कर सकते हैं, परफेक्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये परफेक्ट हमने ड्रॉ कर दिया इसको। ड्रॉ जैसे करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 जो आपने स्नैप ऑन किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा स्नैप। यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जो मोल्डिंग पार्ट बनाने वाले बाई यूजिंग बीवेल प्रोफाइल, तो बीवेल प्रोफाइल से हम बनाने वाले हैं। ओके, हम चाहे तो डायरेक्टली आउटलाइन भी दे सकते हैं, अगर हमें बीवेल प्रोफाइल से नहीं बनाना है, जैसे कि छज्जा बनाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आउटलाइन भी दे सकते हैं। ओके, आउटलाइन देने से क्या होगा, बाद में आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, वो छज्जा बन जाएगा। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली हम एक परफेक्ट मोल्डिंग तैयार कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से फ्रंट व्यू में आने के बाद आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली थोड़ा बहुत जूम इन करना होगा। ओके, उसके बाद आपको एक प्रोफाइल ड्रॉ करना होगा, जैसे कि स्टेप्स फॉर्मेट में ये हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से। ओके, ये परफेक्ट ड्रॉ हो चुका है, यस कर दीजिए। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग वर्टेक्स आप ठीक से उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो जो शार्प है जैसे उसको फिलेट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो किस तरह से करना है देखते हैं हम। तो ये हमने ठीक से एडजस्ट कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट हो चुका है। अब हम क्या कर देते हैं, जो मॉडिफायर है वो अप्लाई कर सकते हैं हम। मॉडिफायर अप्लाई किस तरह से करना है हम देखते हैं, ये हमने पहले भी सेशन में ट्यूटोरियल में बताया था। ओके, यहाँ पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो प्रोफाइल है प्रोफाइल को सेलेक्ट नहीं करना होगा, आपको पाथ को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले यहाँ से हमने क्या कर दिया है, जो पाथ को सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफायर लिस्ट में से हम ब्यूएल प्रोफाइल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ से ब्यूएल प्रोफाइल अप्लाई कर देते हैं हम, और यहाँ से डायरेक्टली पिक प्रोफाइल कर देते हैं। तो ये परफेक्ट मोल्डिंग बन चुका है यहाँ पर, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, अगर छज्जा बनाना है आपको, छज्जा भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मगर ये मोल्डिंग बहुत ही बेस्ट लग रहा है। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, इसको सबसे पहले एक मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये ठीक तरीके से मैच हो। यहाँ हम डायरेक्टली एक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से एजाइन जो मटेरियल का, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, मगर मैं अलग से भी इसका एक सेशन आपको बताऊँगा। ओके, अगर हम टोटल इसको अगर डिटेल में अगर देखने जाएंगे तो आपको मॉडलिंग पार्ट ठीक से समझ में नहीं आ जाएगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अलग से जो ये पार्ट है, जो अपना बिट मैप किस तरह से अप्लाई करना है, जो मैपिंग का पार्ट है, जो मेटल का पार्ट है, हम अलग से उसके लिए एक सेशन बनाएंगे। ओके, यहाँ से ठीक से हमने अप्लाई कर दिया है मटेरियल। अब क्या कर देते हैं, चाहे तो जैसे कि मैंने बोला था आपको कि फिलेट भी दे सकते हैं, तो वो ट्राई कर देखते हैं हम। यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करना होगा आपको, जो भी जिस भी वर्टेक्स में आपको फिलेट चाहिए, आप वो वर्टेक्स को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, मैं अगर यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेन हमारा प्रोफाइल है वहाँ पर भी चेंजेस हो जा रहे हैं, जो हमने अप्लाई कर दिए। अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो अप्लाई करने के बाद भी, आप डायरेक्टली क्या करो, प्रोफाइल को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफाइल में आप चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेन जो मोल्डिंग क्रिएट किया है उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। ये हम फिलेट दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद परफेक्ट फिलेट हो चुका है, एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। ओके, अब हम क्या कर देते, जो फर्स्ट
फ्लोर के यहाँ पर है वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली ड्रैग कर कर कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि टेरेस के लिए। ओके, तो यहाँ से हम मोल्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ओके, तो परफेक्ट ड्रैग हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली हम यहाँ से मिरर कर सकते हैं। ओके, तो ये सेशन में सिर्फ आपको मॉडलिंग ही नहीं सीखने मिल रहा है, किस तरह से 3D मॉडलिंग करना है आपको एक बेसिक, बट आपको जो बेसिक होता है जैसे कि मॉडिफायर्स भी आपको सीखने मिल रहा है, जैसे कि बेवल प्रोफाइल हमने देखा, फिर बाद में मिरर जो मॉडिफायर है वो भी हमें सीखने मिला। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको जो वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स है वो ठीक तरीके से सीखने मिले। ओके, इससे क्या होगा, मॉडिफायर्स भी आपको सीखने मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक बेसिक 3D एक्सटीरियर मॉडलिंग भी आपको सीखने मिल जाएगा। ओके, तो हमने टोटल अब तक 2 पार्ट्स अपलोड कर दिया है, पब्लिश कर दिया है, आप वो ज़रूर देखिए, उसके बाद आप ये जो part 3 है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के बाद परफेक्टली इसको एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये परफेक्ट एडजस्ट हो चुका है, एकदम बेहतरीन लग रहा है, बस डोर ये साइड में चाहिए था। तो हम अगले जो सेशन में हम उसको चेंजेस कर देते थोड़ा बहुत। ओके, तो ये सेशन के अंदर भी हमने देख लिया कि बेवल प्रोफाइल किस तरह से अप्लाई करना है। ओके, अब हम क्या कर देते, जो स्टेयरकेस का जो एरिया है वहाँ पर हम विंडोज़ क्रिएट कर लेते। ओके, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली हम स्नैप ऑन कर देते हैं, और मैं यहाँ पर मैंने क्या ऑन कर दिया है, ग्रिड्स ऑन कर दिया है। ओके, तो ये क्या होगा, जब ड्रॉ करेंगे हम तो वो सिर्फ ग्रिड्स पर हाईलाइट होगा। ओके, ये परफेक्ट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर देते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ओके, शिफ्ट प्रेस करना है आपको और डायरेक्टली क्या करना है, एक जो पर्टिकुलरली डायरेक्शन में आपको जो एक्सिस में चाहिए आप डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ताकि हम क्या करने वाले हैं, सिमिलरली जैसे कि विंडो क्रिएट करना है तो हम क्या कर देंगे, उसको भी बुलियन कर देते, प्रोबुलियन कर देते। ओके, ये सेट कर दिया हमने। जैसे कि हमने पहले भी बुलियन किया था, प्रोबुलियन किया था, तो अभी बार बार करने की ज़रूरत नहीं आपको, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो स्टार्ट पिकिंग करने के बाद डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये अलग अलग बॉल है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बाद में सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली ये कर सकते हैं। तो ये हो चुका है डायरेक्टली, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्लासेस है जैसे कि हमने पहले से कॉपी करके रख दिया था, तो कॉपी क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट वही पोजिशनिंग में वो था, तो परफेक्ट एक्सिस के हिसाब से क्या हुआ, हम मूव कर सकते हैं उसको, इसीलिए हमने क्या कर दिया था, उसको कॉपी कर दिया था, ताकि हमें अलग से एक न्यू जैसे कि ग्लास के लिए हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। ओके, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो फ्लोरिंग का जो फ्लोरिंग है हम वो क्रिएट कर लेते हैं। ओके,
हमें क्या करना होगा, इसके बाद डायरेक्टली स्प्लाइन में आने के बाद यहाँ से हमें आउटलाइन देना होगा. ओके, ये आउटलाइन दे रहे हैं हम. उसके बाद डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देते हैं इसको. ओके, परफेक्ट वॉल बन चुका है हमारा. अगले ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, जो एनवायरनमेंट है टोटली, स्काइज वगैरह, लाइटिंग्स, वो सब हम देखेंगे उसमें कि किस तरह से उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं लाइटिंग्स वगैरह. ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो ओवरहेड वाटर टैंक हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देता हूँ. तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए. इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.